नमस्ते, दिस इज नीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टू चिलिंग अकेडमी। डिवाइन टू चिलिंग अकेडमी में टैरो रीडिंग के क्लासेस कंडक्ट होते हैं और यहाँ पर आप ये टैरो रीडिंग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। एवरीडे 1 आवर क्लास होता है, आप आपके कन्वीनियंस से टाइम डिसाइड करके लर्न कर सकते हैं। नाउ ये वीडियो बन रहा है टॉरस राशि के लिए। वृषभ राशि का अक्टूबर 2019 मंथ कैसे जाएगा? वृषभ राशि वालों को करियर में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और किसी से भी आपको आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स नहीं करने हैं आपके करियर में। और आपको जो भी ऑफिस में हो रहा है वो माहौल के साथ आपको लॉजिकली फेस करना है। आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, हर्ट नहीं होने देना है खुद को। और ग्रुप में काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अकेले रहने से आपको नुकसान हो सकता है और ग्रुप में आप काम करेंगे तो आपके करियर के लिए बेटर है। फाइनेंस के लिए दिखाता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे आप उसे बोर हो गए हैं, आपको कुछ नया एक्सपेक्टेड है फाइनेंस में। सो अक्टूबर मंथ आपके लिए लकी है, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है। रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि फैमिली के हेल्प से आप आपका पार्टनर ढूंढेंगे और फैमिली अगर मैरिड है तो आप आपके फैमिली बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ अक्टूबर मंथ में जिएंगे। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आप देर से उठते हैं तो आपको जल्दी उठना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है, आपको रेस्ट करना है, लाइफस्टाइल आपको अपना चेंज करना है। और अगर आप बाहर सोशलाइजिंग ज्यादा कर रहे हैं तो उसको आप बैलेंस कीजिए। घर पे थोड़े दिन आप फास्ट वगैरह कर सकते हैं या लिक्विड डाइट वगैरह करके आपकी जो डाइट है उसको बैलेंस कीजिए। और हेल्थ अदरवाइज इट्स पॉजिटिव, इम्प्रूव होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप थोड़ी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं तो। स्पिरिचुअलिटी में दिखाता है कि आप जिस स्तर पे पहुंचना चाहते थे वहां पे पहुंचने के फुल चांसेस हैं। अगर आप कमिटेड रहते हैं आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ तो बहुत ही अच्छे फील्ड तक आप जा सकते हैं। बच्चों को एजुकेशन में उन्हें लॉजिकली ध्यान देना है, उन्हें आपको ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाने हैं, बच्चों को लाड़ प्यार नहीं देना है, उन्हें स्ट्रिक्ट वे में पढ़ाना है आपके किड्स को। और नया पैसा आपके पास आने वाला है तो अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है तो उसे जाने नहीं दें, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से स्टडी करें और उसके ऊपर काम करें। कुछ भी एक न्यू पार्टनरशिप आपके पास आ सकती है, कुछ भी एक नया फ्रेंचाइजी और फिर एक नया बिजनेस आपके पास आ सकता है या कोई न्यू जॉब भी आ सकती है जिससे आपका पैसा ग्रो हो सकता है। फैमिली को सबसे ज्यादा टाइम दें, इससे आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो सकता है। हार्मनी कार्ड है कि आप अच्छे से आपकी फैमिली के साथ रहेंगे। और हेल्थ को आप एज अ चैलेंज लेके, सपोज आप ओवरवेट हैं तो आप एज अ चैलेंज लेके अपना वजन अगर कम करने की ठान लेते हैं तो पॉसिबल है। कोई भी प्रकार का डिजीज है आपको, आप उससे ये कर सकते हैं, मीनिंग यू कैन चेंज इट इन योर फेवर, आपकी फेवर में उसे चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज स्किन इश्यूज हैं तो आप थोड़ा डाइट कंट्रोल करके अपने स्किन इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। आध्यात्मिक में आप बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। आपको फूड पॉइजनिंग का ख्याल रखना है, आपको एक सिल्वर बॉल आपके गले में पहनना है जिससे फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। बात जब करते हैं तब सोच समझ के करना है, सामने वाले हर्ट हो सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हो। थैंक यू।